हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, अब से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये मस्ट है, और इवन जो अपनी स्टडी कर रहे हैं, 11th 12th क्लास में हैं या कॉलेज पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी डेली आप भी न्यूज़ देखिए, करंट अफेयर्स से अप टू डेट रहिए। देखिए, ये जो चीज़ें हैं आपके जीके को बढ़ाती हैं, और जो जनरल नॉलेज है वो आपका हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपकी मदद करता है, और आपको अप टू डेटेड रहना ही चाहिए। तो करंट अफेयर्स को आप डेली एक तो न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं पढ़ा जाता है तो वीकली, कम से कम वीकली जो नई नई इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे देश में हुई है, कोई बाहर का राष्ट्रपति यहाँ पे आया, प्रधानमंत्री यहाँ पे आया, कोई विजिट की, किसी ने इम्पोर्टेंट कोई डिग्नेटरी की विजिट हुई है, कौन से MOUs हमारे और किसी अगर दूसरे देश के बीच में साइन किए गए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कीम्स अगर हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो ऐसी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनके बारे में आपको अपडेटेड रहना ही चाहिए। तो इस वीडियो में और आगे आने वाली ऐसी ही एक नई सीरीज़ में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो आपकी न्यूज़ है वीकली देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें हम सितंबर के थर्ड वीक में जो इम्पोर्टेंट चीज़, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़, जो करंट अफेयर्स हैं आपके हमारे देश के अंदर क्या क्या हुए, उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपने करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स सितंबर थर्ड वीक 2018, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जो आपकी ये है PMJAY आयुष्मान भारत स्कीम, ये लॉन्च की है रांची से। रांची में उन्होंने विजिट की थी, तो इन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो आपकी आयुष्मान भारत योजना है PMJAY, ये योजना लॉन्च की थी 23rd सितंबर 2018 को। कहाँ पे ये लॉन्च की गई है? आपके झारखंड के अंदर रांची में। रांची झारखंड की कैपिटल है। अकेले झारखंड, झारखंड में लगभग 57 लाख फैमिलीज, 57 लाख फैमिलीज को कवर दिया गया है इस स्कीम के अंतर्गत। और ये जो स्कीम है ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है, क्योंकि इसमें लगभग 50 करोड़ पीपल, मतलब 50 करोड़ की संख्या में लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स और हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया गया है इस स्कीम के अंतर्गत। तो आप समझ सकते हैं, 50 करोड़ की जनसंख्या, कई सारे देशों को मिला के जनसंख्या नहीं होती उतनी, मतलब एक इतनी बड़ी संख्या को, इतने बड़े इतनी लगभग 10 करोड़ फैमिलीज को इस आरोग्य स्कीम के अंतर्गत, आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। देखिए, आयुष्मान भारत जो स्कीम है इसको झारखंड से प्रधानमंत्री जी ने खुद ने लॉन्च किया 23 सितंबर 2018 को। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आयुष्मान भारत जो स्कीम है इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी लॉन्च किया गया है, 1-4-555। इस नंबर को डायल करके आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और कोई आपकी क्वेरीज हैं तो क्वेरीज आप यहां से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो तो 1-4-555 क्या है, टोल फ्री नंबर है आयुष्मान भारत स्कीम का। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये इवन दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर स्कीम है। इससे पहले एक हेल्थ केयर स्कीम आई थी जिसको कहा गया था भाई दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम, ओबामा केयर के नाम से, जो बराक ओबामा थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने लॉन्च की थी ओबामा केयर, और इसको नाम दिया जा रहा है मोदी केयर नाम करके, जो आपकी आयुष्मान भारत स्कीम है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम्स में से एक है, क्योंकि लगभग 50 करोड़ की संख्या में लोगों को शामिल करना, 10 करोड़ फैमिलीज को शामिल करना बहुत बड़ी बात है। ये अगर ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होती है तो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो आपकी आयुष्मान भारत स्कीम है इसमें 60% कंट्रीब्यूशन किसका होगा, सेंटर का होगा, और जो आपका रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन है 40% वो किसका होगा, स्टेट्स का होगा। तो अलग अलग जो स्टेट्स हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन 40% और 60% पैसा इसमें सेंटर देगा। अब तक लगभग 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने MOU सेंटर के साथ में साइन कर लिए हैं, लेकिन तेलंगाना, उड़ीसा, दिल्ली, केरला और पंजाब को छोड़कर इन्होंने अभी तक सरकार, केंद्र सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ MOU साइन नहीं किया है। MOU क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। भाई, हम ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं, इस तरीके से हम आगे इस चीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई मेमोरेंडम साइन किया जाता है, उसको MOU बोला जाता है। तो अभी तक किसने? तेलंगाना ने, उड़ीसा ने, दिल्ली ने, केरला ने, पंजाब ने साइन नहीं किया है। इसके अलावा जो 31 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज हैं उन्होंने MOU साइन कर लिया है सेंटर के साथ में, और वहाँ पर ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है। अब देखिए, इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 1300 बीमारियों जो एलिमेंट्स हैं उनको शामिल किया गया है इसमें, हार्ट डिजीज़ से लेके, किडनी डिजीज़ से लेके, लीवर डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़, इस तरीके की लगभग 1300 एलिमेंट्स को शामिल किया गया है।
2500 मॉडर्न हॉस्पिटल्स को जो कि टायर सेकंड और टायर थर्ड सिटीज़ जो हैं उनके अंतर्गत इसको इस मतलब इन सारे हॉस्पिटल्स को इस स्कीम के अंतर्गत रखा गया है। तो इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पर। तो ये बहुत बड़ी स्कीम है और बहुत अच्छी स्कीम है। अब देखिए लगभग 13,000 हॉस्पिटल्स जो हैं इस आयुष्मान भारत स्कीम के पार्ट बन गए हैं। और इसी के साथ ही साथ वहाँ पे जब प्रधानमंत्री जी गए थे झारखंड के अंदर, जो भी ये आपकी PMJAY स्कीम लॉन्च की गई थी आयुष्मान भारत स्कीम, तो साथ ही साथ में उन्होंने क्या किया, इसके साथ ही चाईबासा और कोडरमा जो कि वहाँ की सिटीज़ हैं ज़िले, वहाँ में वहाँ क्या किया गया है, मेडिकल कॉलेजेस भी स्थापित किए गए हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसी के साथ साथ 10 हेल्थ केयर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी जो आपके वहाँ पे लागू किए गए हैं। अब देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई इसमें किन लोगों को शामिल किया जाएगा, कि अपन पढ़ रहे हैं अभी क्या पढ़ रहे हैं आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। तो इसमें देखिए जो सोशियो इकोनॉमिक आपका कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, तो उसके तहत लगभग 8.03 करोड़ गरीब जो लोग हैं, जो डिप्राइव्ड लोग हैं, रूरल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण इलाके से, और लगभग 2.33 करोड़ पीपल जो अर्बन वर्कर्स अर्बन एरियाज में रहने वाली फैमिलीज हैं उनको इसमें शामिल किया गया। तो टोटल लगभग कितना, लगभग 10 करोड़ से अबाव फैमिलीज इसमें शामिल है और टोटल 50 करोड़ पीपल, ठीक है। तो 10 करोड़ पुअर वल्नरेबल फैमिलीज में शामिल है और 50 करोड़ बेनिफिशरीज इसके शामिल हो। ये इस स्कीम के बारे में आयुष्मान भारत को जो जनरल बजट था 2018-19 का, उस दौरान जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हैं अपने अरुण जेटली जी, उन्होंने इसको बजट के दौरान भी जो पिछला बजट था उसमें पेश किया था। तो अब इस स्कीम को कब लागू किया गया, स्कीम को 23 सितंबर 2018 को। अब देखिए इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें जो पहले से चली आ रही दो इम्पोर्टेंट स्कीम्स थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY और सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम SCHIS, इन दोनों को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। तो अब से ये जो स्कीम्स इंडिविजुअली अलग अलग चल रही थी इनको हटा के अब ये जो स्कीम्स दोनों चल रही थी इनके जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी अब इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। तो वो जो बेनिफिशरीज थे उससे बेनिफिट लेते थे वो अब इस स्कीम के अंतर्गत आ गए और अब इससे बेनिफिट लेंगे। अब देखिए इसमें है क्या, इस स्कीम के अंतर्गत पर पर्सन पे पर फैमिली मेंबर पे 5,00,000 का इंश्योरेंस आपको हेल्थ केयर बेनिफिट आपको मिलेगा पर फैमिली को। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी स्कीम है, किस पैमाने पर किसी भी टाइप की जो आप अभी हमने देखा ना कितनी लगभग जो आपका है 1300 एलिमेंट्स को इसमें शामिल किया गया, 1300 बीमारी। तो इस जो इसमें इसके अंतर्गत आता है इस स्कीम्स के अंतर्गत जो फैमिलीज कवर होती है उनको पूरा कवर दिया जाएगा, उनको इंश्योरेंस के तहत लगभग 5,00,000 का बेनिफिट सालाना मिलेगा अगर कोई बीमारियां जो इनके अंतर्गत है 1300 बीमारियों के अंतर्गत तो उनको उनका फायदा मिलेगा। अब देखिए इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका है, इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 1200 करोड़ का एलोकेशन किया गया है और लगभग 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, 24 नए मेडिकल कॉलेजेस बने और हॉस्पिटल जो है आपके वो स्टार्ट किए जाएंगे और नए नए जो अभी मौजूद जो हॉस्पिटल और कॉलेजेस हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, नई नई मेडिकल टेक्नोलॉजीज सिटीज़ में लाई जाएंगी। तो इससे होगा क्या, एटलीस्ट 1 मेडिकल कॉलेज एवरी 3 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में स्थापित हो जाएगा इस स्कीम के इम्प्लीमेंट होने के बाद में। तो आप अब समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। और इसी के साथ साथ हर स्टेट में और क्या होगा, कम से कम एक मेडिकल कॉलेज तो होगा ही होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें, जो इसकी CEO है आयुष्मान भारत की वो कौन है इस योजना की, इंदु भूषण, ठीक है। और देखिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ इस वीक में, सितंबर में सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा इनोग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट, 100वीं जो आपका सालगिरह है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की, वो प्रधानमंत्री जो आपके प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद उनके द्वारा इस सेलिब्रेशन को का उद्घाटन किया गया 24 सितंबर 2018 को। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने न्यू दिल्ली के अंदर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का सेंटेनरी 100वीं सालगिरह मनाई। और इसमें क्या है, इस ये क्यों क्या है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, तो इसका देखो इसके फाउंडर जो थे कौन थे, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी इसके फाउंडर थे। इसके साथ ही साथ में एनी बेसेंट इसकी फाउंडर थी। 1918 में ये स्थापित की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, चेन्नई में। इसका मेन मकसद क्या है, दक्षिण भारतीय इलाके में
या वो जो नॉन हिंदी भाषी इलाके हैं वहाँ पे हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए, तो उसकी ये किसकी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की क्या है 100वीं सालगिरह जो मनाएगी न्यू दिल्ली में, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद बात ये याद रखनी है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का शुरुआत कब हुई थी, किसने की थी, एम के गांधी एनिवर्सरी ने इसकी शुरुआत की थी 1918 में। अब 100वीं जो सालगिरह मनाएगी कहाँ मनाएगी, दिल्ली के अंदर, किसने उद्घाटन किया इसका, तो भाई किसने इनोग्रेट किया, तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने, कब 24 सितंबर 2018 को। अगला देखिए, टू डे नेशनल ओरिएंटेशन वर्कशॉप ऑन नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा इनोग्रेटेड बाय श्री अर्जुन राम मेघवाल, जो अपने क्या है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कौन, अर्जुन राम मेघवाल। तो ये नेवा जो है आपका, ये क्या है, ये आपका नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है। अब इससे क्या होगा, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं, जो विधानसभा की, जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज की प्रोसीडिंग्स हैं, उसको डिजिटाइज किया जाएगा। उससे क्या होगा, बहुत सारे पेपर्स वगैरह जो पहले लगते थे अंदर, आप भी क्या कर सकते हो, नेवा की एप्लीकेशन है बकायदा जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वेब पोर्टल है, वहाँ से आप क्या अलग अलग विधानसभाओं की उनकी प्रोसीडिंग्स, क्वेश्चंस कितने पूछे गए, किसने क्या क्वेश्चन पूछे, कितने क्या वर्क जो आपका बिजनेस ऑर्डर हुआ पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभाओं के अंदर, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है नेवा। तो क्या है नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, किसके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया, सेलिब्रेट किया गया। तो इसमें क्या कह रहा है, देखो आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो था किसके द्वारा, श्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, जो अपने कौन है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो है अपने। अब देखिए इंपॉर्टेंट और चीज, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जो हैं ये अपने देश में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के मामले में अंडर अमृत मिशन। तो अब देखिए, तो सबसे पहले कौन है आपका, आंध्र प्रदेश, उसके बाद में उड़ीसा और फिर मध्य प्रदेश, ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के मामले में अमृत योजना के अंतर्गत क्या है, ये टॉप थ्री के अंतर्गत आते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की जो रैंकिंग है उसके अंतर्गत। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की रैंकिंग, तो ये किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो है आपके अमृत मिशन, ये कब 2015 में लॉन्च किया गया था। अब देखिए आगे अमृत मिशन इसके बारे में देखते हैं, तो कब, जून 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही अमृत मिशन लॉन्च किया था। क्या मकसद था इस अमृत मिशन का, कि क्या किया जाए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सिटीज के अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर, उसको इंप्रूव किया जाए, उसको अपडेट किया जाए। तो ये अमृत मिशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जून 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्या मकसद है इसका, तो इसका मकसद ये है कि अर्बन जो ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, अर्बन एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाए। आगे देखिए, जो आईजीआई है अपना, कौन सा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दुनिया के दुनिया में 16th रैंक पर आया है बिजीएस्ट एयरपोर्ट में। क्या सबसे बिजी जो एयरपोर्ट्स हैं उनमें लगभग 16वीं रैंक जो है इसकी वो आई है, किसकी, आईजीआई एयरपोर्ट की, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका। और ये रैंक कौन, किसने जारी की है, एसीआई ने। एसीआई क्या है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, उसने रिपोर्ट जारी की है एयरपोर्ट ट्रैफिक के मामले में। दुनिया में जो एयरपोर्ट्स हैं उनमें से 16वें नंबर पर हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है न्यू दिल्ली के अंदर, वो 16वां सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है। फर्स्ट रैंक जो है किसको मिली, तो फर्स्ट रैंक मिली है यूएसए में, अटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट जो है आपका, उसको फर्स्ट रैंक मिली है। लगभग 103.9 मिलियन पैसेंजर्स ये 2017 में इसने अकेले हैंडल किए हैं। उसके बाद में बीजिंग जो एयरपोर्ट है 95.8 मिलियन पैसेंजर्स उसने हैंडल किए हैं। तो हमारा अजी एयरपोर्ट कितने नंबर पर है, 16th नंबर पर, याद होना चाहिए आपको। किसने रिपोर्ट जारी की, एसीआई ने, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ठीक है, एयर ट्रैफिक के मामले में। एक और इम्पोर्टेंट जो इंसिडेंट, जो घटना है वो इस वीक हुई कि इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं मालदीव के। जो मालदीव है हमारा पड़ोसी, एक आइलैंड कंट्री, आपको पता होगा मालदीव की कैपिटल क्या है, माले। मालदीव की करेंसी क्या है, मालदीविन रुफैया, और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है वहाँ की, मालदीवियन। और इन्होंने किनको हराया है, अब्दुल्ला यामिन को। अब्दुल्ला यामिन को हरा के मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। और आपको पता होगा अब्दुल्ला यामिन जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उस दौरान, उनकी टेन्योर में जो भारत के साथ रिलेशन मालदीव के धीरे धीरे खटास की तरफ बढ़ते गए। अब ये जो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह आए हैं ये इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं, और इंडिया ने किसी हद तक अपनी भूमिका भी, अपने जो रोल है इस इलेक्शन में प्ले किया था। ये संयुक्त उम्मीदवार थे वहाँ के विपक्ष के, ऑपोजिशन पार्टीज के।
तो कौन बन गया है, इब्राहिम मोहम्मद सोलह जो है वहाँ के नए राष्ट्रपति बन गए मालदीव के। मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, आपको पता होगा, एक आइलैंड कंट्री है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, एक घटना इस वीक हुई, पैकयोंग जो एयरपोर्ट सिक्किम के अंदर पहला एयरपोर्ट और अपने देश का 100th, ठीक है, 100वां एयरपोर्ट जो है प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के अंदर गैंगटॉक में पैकयोंग एयरपोर्ट का जो है वो वहाँ पे उद्घाटन किया। तो पैकयोंग एयरपोर्ट जो हमारा सिक्किम के अंदर, सिक्किम का तो पहला और देश का 100वां एयरपोर्ट जो है 100th एयरपोर्ट बना है। तो ये तो इस वीक के जो करंट अफेयर्स थे वो हुए पूरे। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस रेगुलरली इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसे मुझे पता लगे कि भी नहीं वीडियो सही बन रहे हैं या इसी हिसाब के बनाने चाहिए, अगर कोई इम्प्रूवमेंट आप बताना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही NcertWayUpsc को आप ने सब्सक्राइब किया, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में। देखिए अभी जो है हम जो आपका स्कूल के चैप्टर्स हैं NcertWayUpsc के वो पढ़ रहे हैं, इसके अलावा हम कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से स्पेसिफिक जो UPSC SSC के एग्जामिनेशन होते हैं या राजस्थान के अंदर जो RPSC के एग्जामिनेशन है या जो PCS एग्जामिनेशन होते हैं आपके स्टेट्स लेवल पे, उनसे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं रेगुलरली अपडेट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को भी आगे से आगे शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।